क्वेश्चन नंबर थ्री का क्या बना था? क्वेश्चन नंबर थ्री इसका मटेरियल है और डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन नंबर थ्री की बात कर रहा हूँ यार। क्वेश्चन थ्री इज अनदर नेम ऑफ ऑल। क्वेश्चन नंबर थ्री वो तो क्लास में ही हो गया था, जितना को होना था वो क्लास में हो गया था, बाकी हो जाएगा। जी सर, क्वेश्चन नंबर थ्री में कोई इशू? प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला सुना दे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्वेश्चन नंबर फोर निकाल के सामने रखा था। क्या मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि क्वेश्चन नंबर थ्री आपने सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर आपने पढ़ा है? ये अजम्पशन काफी खतरनाक हो जानी है, तो कम से कम मेरे सामने सवाल का पेज नंबर बता के खोलना। रिक्वायरमेंट वन में बेटा मैंने ये कहा था, फर्स्ट रिक्वायरमेंट में, कि अगर मटेरियल लेबर और ओवरहेड वेरिएंसेस लिखे हुए हैं एक
जी सर, क्वेश्चन नंबर 4 में जो रिक्वायरमेंट है उसमें कल मैंने बात ही की थी कि अगर मटेरियल वेरिएंस लिखा, लेबर वेरिएंस लिखा और ओवरहेड वेरिएंसेस लिखा, तो कौन कौन से वेरिएंसेस फाइंड आउट होंगे। तो फर्स्ट ब्रेकअप से मुराद मेरी ये है प्राइस एंड यूजेज वेरिएंस। ये चंद फिगर्स काइंडली, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि मटेरियल और लेबर शायद आपने सही फाइनल कर लिया हो, लेकिन जो आपने फिगर्स लिखी हुई है वो काइंडली लिखवा लो। ये काइंडली प्लीज डाटा सामने रखना अपना और फिगर्स ढूंढना शुरू करें काइंडली। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करो, आई होप के 3 में तो मसला नहीं है। तो 4 काइंडली सर शुरू हो गया सर, आपने 7 वाले को फिगर्स बोलते हुए देखना है गौर से। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड रेट पर केजी इसलिए चाहिए क्योंकि क्वांटिटी केजीज में 6.75, एक्चुअल रेट गिवन है 6.25 और एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 50 डिवाइडेड बाय 6.25। एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, जरा डेटा एक्चुअल डेटा देखें, 5,04,000 क्या किसके रुपीस है, 504,000 ढूंढने का इस वक्त तो ढूंढ लें सर। ये क्या है 504,000 केजी से? ये एक्चुअल डेटा है, 1 केजी कितने का है, 6.25 रुपीस है केजी, तो 5,04,000 रुपए हैं। तो हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, एक्चुअल केजीज, क्या फॉर्मूला बनेगा, एक्चुअल रुपीस केजीज के रुपीस डिवाइड बाय रुपीस पर केजी। ये 5,04,000 बना कैसे होगा, कुछ केजीज होंगे, केजीज मल्टीप्लाइड बाय 6.25 हुआ होगा और फिर इज इक्वल टू 504,000। तो केजीज तक कैसे पहुंच सकते हैं, 504 डिवाइडेड बाय 6.25। ठीक है, तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें सही कॉन्टेक्स्ट में क्लियर होनी चाहिए। 5,04,000 रुपया कैसे बना हुआ है, ये केजी से रेट मल्टीप्लाई हुआ, तो हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो केजी इज इक्वल टू, फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 5,04,000 डिवाइड बाय 6.25 रुपीज पर केजी। तो कितने केजी बन गए सर, ये 6,08,064। ठीक है सर, ठीक है सर, अब डेफिनेटली इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरी वैसे सजेशन ये है, इसकी वजह ये है कि अगर पॉइंट्स में आंसर आ जाए तो ऐसे फिर आपने परेशान होना। फाइनल आंसर बताओ, 40320 एडवर्स की वजह एक्चुअल रेट, फेवरेबल की वजह सर 6.25 रेट गिवन है, स्टैंडर्ड रेट कम, सॉरी एक्चुअल रेट कम, एक्चुअल रेट ये फेवरेबल समझ आ गए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज फॉर माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल प्रोडक्शन लिखवानी है आपने। अब ये जो इस वक्त डाटा नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज एक एक फिगर मैं इसलिए लिख रहा हूँ आपके सामने कि सही तरह जरा मेरे साथ फाइनल कर लीजिए। एक्चुअल प्रोडक्शन है जी शायद लास्ट लाइन में, यूनिट्स बनाए जाते हैं या घंटे बनाए जाते हैं, लेकिन यकीनन घंटों में यूनिट्स बनाए जाते हैं, कुछ घंटे काम होता है उनमें यूनिट्स बनते हैं। व्हाट इज 27,000 एक्चुअल प्रोडक्शन, पर स्टैंडर्ड में जाए 1 यूनिट शुड टेक 2.8 केजी। एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन अब सॉल्व हो चुकी है, 80640 या डेफिनेटली आप डिवाइड करके लिखना चाह रहे हैं, और स्टैंडर्ड रेट पर केजी 6.75 है।
आंसर बता दो। 3 4 0 2 0 एडवर्स की वजह क्या है? एक मिनट जरा, 27,000 इंटू 2.8 की जगह जरा 27,000 इंटू 2.8 75,600 का मतलब इस क्वांटिटी का काम किस क्वांटिटी में हुआ है? ये ठीक है, प्लीज एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा लगी हुई है। ओके, हो गया था लेबर सर? अगर बताया ना हो तो फर्स्ट ब्रेकअप रेट एंड एफिशिएंसी। जी लेबर आर, लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। फॉर्मूला ऑफ लेबर रेट वेरिएंसेस अब यहां से सर में वो जो चीज स्टार्ट होनी है वो यहां से है, तो फिर ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स से गेम गई है। तो यहां से प्लीज आप फुल कंसंट्रेट जरा। स्टैंडर्ड रेट पर आर चाहिए, पर केजी चाहिए, पर यूनिट चाहिए। रीजन ऊपर स्टैंडर्ड डाटा में जाए, 150 पर आर है, हमें भी पर आर ही क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे भी फॉर्मूले में आर से मल्टीप्लाई होना रेट से। तो व्हाट इज 150 पूरा बोलिएगा। एक्चुअल रेट पर आर नीचे आए गिवन है, ठीक है। अब एक्चुअल प्रोडक्शन के एक्चुअल आर्स चाहिए, एक्चुअल आर्स वर्क वो कर लेते हैं। 150 160 मिल गया। अब सर ये जो फिगर है ना, ये जो आगे आनी है, ये शायद आगे भी काफी दफा यूज होनी है, तो यहाँ जरा इसको जरा समझ लीजिएगा। लास्ट सेंटेंस पढ़े जरा, लास्ट सेंटेंस पढ़े का मतलब प्लीज पढ़े। सेंटेंस की कोई ट्रांसलेशन कर लें। 27,000 यूनिट्स बने और एक यूनिट को बनाने में एक्चुअली टाइम लगा 33 मिनट्स। अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला इसमें घंटे हैं, तो अगर मिनट्स हो तो आवर्स में कन्वर्ट करना है। हमारी सारी वर्किंग आवर्स में, तो ये नहीं कि फार्मूला बदल के इसे मिनट्स में कन्वर्ट कर दे, वो भी हो सकता है, लेकिन काइंडली फार्मूला नहीं बदलना, डेटा को अकॉर्डिंग फार्मूले के मुताबिक एडजस्ट करना। अब 33 मिनट्स की भी गेम पहले यही फाइनल अगर होता है, 33 मिनट्स है और एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? अजम्पशन ले रहे हैं ऊपर जरा सेंटर में कहीं जाए, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट भी गिवन है, वो 30 मिनट्स है ढूंढने जरा। तो उसका मतलब है एक घंटे में दो यूनिट्स, 30 मिनट हाफ आवर पर यूनिट, आधा घंटा पर यूनिट। आधा घंटा कैसे बनाया मैंने? कैलकुलेटर पकड़ो, ऊपर वाला पहले फाइनल करना। 30 / 60 हाफ आवर पर यूनिट, वेरी 60, वहां कहां से आया 60? एक घंटे के 60 मिनट, तो आधा घंटा स्टैंडर्ड टाइम था, लगा कितना बेचारा? 33 मिनट्स लगे पर यूनिट। तो अभी से पहले तो बनाने पर आर, यानी कि मींस एक घंटे को बनाने में, सॉरी एक यूनिट को बनाने में, सॉरी कितने आर्स लगे? तो इसका क्या तरीका हो गया? छोटी सी वर्किंग लिखें इधर, 33 / 60 कर लें। नहीं ये आंसर इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब जो आंसर आ गया वो क्या आया, ये आर्स पर यूनिट आ गया। तो अगर आपने मिनट्स को आर्स में कन्वर्ट करना, तो मिनट्स डिवाइड बाय 60, 1 आवर के जो 60 मिनट्स, तो सॉल्व करना जरा, 33 / 60, इससे आ क्या जाएगा? एक्चुअल टाइम पर यूनिट, पर आर नहीं, एक्चुअल आवर्स पर यूनिट 0.55 समथिंग। ये लिख लेना जरा इसकी वर्किंग, 33 / 60, रखा पॉइंट्स में आंसर आ रहा है बस 0.55 हुई। तो 0.55 के आर्स पर आर नहीं है, आर्स पर वन यूनिट, पर यूनिट, एक्चुअल आर्स पर यूनिट।
एक्चुअल आवर्स पर मिनट, व्हाट इज ऊपर 30? स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड मिनट्स पर यूनिट, तो हाफ आवर पर यूनिट, हाफ पर आवर नहीं, हाफ आवर, आधा घंटा पर यूनिट, 0.55 आवर्स पर यूनिट, ठीक है? ओके जी सर। अब 27,000 क्या बना हुआ? ये यूनिट्स है। और क्या हमें एक यूनिट का टोटल टाइम पता चल गया? अब क्या करें? मल्टीप्लाई 27,000 करना और आंसर निकालना। 14850। नहीं अटबस सभी कौन सा? सर घंटे आए हैं सर, एक घंटे एडवर्स है, फेवरेबल है, वो तो कंपैरिजन होगा तो पता चलेगा। व्हाट इज द स्टोरी? एक्चुअल आवर्स वर्क्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। कंप्लीट कर लें, ये बुक पे लिखे जरा, ये मैंने दिखाना आपको बार बार अगले सवाल में, जहां पे ये लाइन लिखी हुई थी बुक में कैंडी, वही छोटी सी वर्किंग लेटर साथ, ठीक है? यकीन आप, हमने रजिस्टर में बार बार लिखी हुई है, लेकिन बुक पे एक दफा लिखी। तो हमें एक्चुअल टाइम दिया था मिनट्स में और वो पर यूनिट दिया हुआ, हमने उसे किस में कन्वर्ट कर लिया? आवर्स में और फिर टोटल आवर्स, एक्चुअल आवर्स पर यूनिट से एक्चुअल आवर्स फॉर 27,000 एक्चुअल प्रोडक्शन। एनी कंफ्यूजन नाउ? माइंड करवा दें सर, यहाँ क्या आ गया फिर? तो ये पूरी फिगर आई हुई, इसलिए मैंने दोबारा सॉल्व नहीं किया। 148,500, बाकी वाला स्टोरी अपनी चलाते रहे। वाई एडवर्स, लेबर का एक्चुअल रेट ज्यादा है, स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आर, क्यों? क्योंकि आर्स में वर्किंग हो रही है, और स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आर, क्यों? लेबर की बात हो रही है। एक्चुअल प्रोडक्शन बताया 27,000 यूनिट्स। अब ढूंढने एक यूनिट को बनाने का टाइम लगना क्या चाहिए था? मेरी सजेशन ये है 30/60, डेफिनेटली आधा घंटा सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन शायद इस तरह जरा अगर पॉइंट्स में भी कभी आए, फॉर एग्जांपल 29 मिनट बता दो तो पॉइंट्स में आंसर आ जाना, तो बेहतर इस तरह लिखो। व्हाई 30/60? नहीं मतलब 30/60 के आवर्स में कन्वर्ट किया, आधे घंटे को, सॉरी 30 मिनट को आधे घंटे में कन्वर्ट किया, तो यहां से स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन आ जाएगा। एक्चुअल टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन तो आपने सॉल्व कर लिया हुआ, ये फर्स्ट ब्रैकेट का सॉल्व करें, 27,000 इनटू स्टैंडर्ड रेट 150 पर आ, 27,000 इंटू 30/60 करें, 13,500 घंटों का काम अगर 14850 आवर्स में हुआ है, तो यकीनन ये फेवरेबल सिचुएशन नहीं का काम कितने घंटे में, कितने घंटों का काम कितने घंटे में हुआ? ये एनी कंफ्यूजन आपको है? जी सर, हो गया था सर, हो गया है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैंडली बता दो, कोई कंफ्यूजन ये मटेरियल लेबर में? देन सर जी, इसके आगे लिखा है ओवरहेड्स, ओवरहेड वेरियस रिक्वायरमेंट देखिएगा। ऑब्वियसली अगर ये लिखा हुआ है तो इसमें वेरिएबल फिक्स दोनों, और फिर अगर दोनों है तो उनके भी बस फर्स्ट फर्स्ट ब्रेकअप, लेकिन मैंने जरा ये डिटेल में जरा डिस्कस करने ओवरहेड्स, तो मैं जहां जहां पॉसिबल होगा सब कुछ लिखूंगा, यानी कि मींस उसे सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट कर रहा हूँ। डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होने नहीं चाहिए, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि शायद ये बहस आज खत्म हो ही जाए। तो अगर आपने ब्रेकअप्स बनाए मैं तो जो मैं एक्स्ट्रा लिखूंगा वो भी साथ मेरे लिख लीजिएगा, और डेफिनेटली को मेरे जैसे अगर जिन्होंने अभी शुरू किए वो फिर साथ से शुरू हो जाए।
टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स, टोटल वेरिएंस, डेफिनेटली दीज आर नॉट रिक्वायर्ड। मेरी बात को गलत तरह ना लीजिएगा, मैं डिस्कस कर रहा हूँ सारे इसलिए ताकि एक तो फार्मूले दोबारा सामने आ जाए और ये डाटा बड़ा अच्छा दिया हुआ है, इसको कैसे ढूंढना है तो आइडिया हो ही जाए। तो वेरिएबल ओवरहेड टोटल वेरिएंस का फार्मूला जहन में लाए और लिखना शुरू कर। स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फ्रैक्चर प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल रेट। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट टोटल नहीं होना चाहिए था, सिर्फ एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी यहाँ होना चाहिए था। नाम तो कुछ याद होंगे कि नहीं? चले सर, ढूंढना इंपॉर्टेंट है पहले। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? 27,000 यूनिट्स, वन यूनिट शुड टेक हाफ आवर एट द रेट ऑफ, नहीं सर कोई 150 नहीं। स्टैंडर्ड रेट अब लेबर का ढूंढना है या वेरिएबल ओवरहेड्स का ढूंढना है? एक ही चीज के दो नाम है, ढूंढने की रेट वेरिएबल ओवरहेड्स का वेरिएंस हो रहा है तो 150 आ गया, 12 क्यों आ गया? स्टैंडर्ड रेट वेरिएबल ओवरहेड्स का पर आर, वेरिएबल ओवरहेड स्टैंडर्ड रेट पर आर क्यों? क्योंकि बेटा वेरिएबल ओवरहेड्स की वर्किंग हो रही है। 12 डन है सर, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है 12? क्वेश्चन में लिखा है, वो तो पर यूनिट लिखा हुआ है, नहीं पर आर लिखा हुआ है, साथ तो लिखा हुआ पर आर सर। एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन पे बार बार हमें जाना पड़ना है, लास्ट लाइन में आ जाए। अब वर्किंग हो गई भी है 14850, ये तो लेबर के आवर्स हैं, उन्हीं में अब ओवरहेड्स की गेम चल रही है। अब क्या ढूंढना है? एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट किसका? वेरिएबल ओवरहेड्स का एक्चुअल रेट पर आर क्यों ढूंढना है? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर ढूंढना है, पूरा बोला जरा। जिन्होंने बोला अच्छा किया है, जिन्होंने नहीं बोला उनकी तरफ से भी आप ही दोबारा बोल दें, क्योंकि सारी रहने मैं बोल देता हूँ। ओके हो चुका भाई ने, अच्छी बात की, हंसना जरा। भाई ने कहा ओके, मतलब इतनी उम्मीद से उसने कहा, सब हंस रहे हैं यार, भाई को हंसाना चाह रहा था। जिदाकला बेटा एक और दफा हंस रहे, वैसे सुनन भाई को खड़ा करके बता दिखाना चाहिए कि ये वाले भाई हैं जो हंसाना चाहते हैं आप इतनी सीरियस डिस्कशन में। ओके हो गया, क्या फाइंड आउट करना है सर? ए आर क्या है यहाँ? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर चाहिए, एक्चुअल डाटा देखें कहीं। What is 175,000? ये actual variable production overheads के रुपीस है। हमने इसे क्या बनाना है? पर आर, पर एक्चुअल आर। क्या ढूंढने अब? 175,000 रुपीस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स इन हाउ मेनी एक्चुअल आवर्स? वो तो लेबर के हैं, बार बार मैंने भी बोलना है, आपने भी सोचना है, लेकिन फाइनल होना चाहिए। कितने आवर्स में कितने वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनकर हुए हैं? एक्चुअल रेट कैसे निकालूं? 1,75,000 डिवाइडेड बाय यार 27,000 कर लेते, उसमें क्या मसला? उससे क्या आएगा? वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट आ जाएंगे, हमें क्या इतराज है? आने दें, हमारे फॉर्मूले में इस रेट ने आज से मल्टीप्लाई होगा, तो डिवाइड बाय क्या होना चाहिए? एक्चुअल आवर्स वर्क्स, ऑब्वियसली अब 14850 डालना सर। अब 175,000 को दोबारा गौर से देखें, क्या ये एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन ही नहीं थी?
175,000 गौर से देखें सर, नहीं देखा गौर से। क्या ये 175,000 इस पूरी ब्रैकेट का ही आंसर नहीं था? यस सर, किस पूरी ब्रैकेट का आंसर था? इट इज एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू एक्चुअल रेट है। क्या है ये? इट इज एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। इस ब्रैकेट का पूरी ब्रैकेट का राइट ब्रैकेट का नाम क्या है? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये मैं पूरी इस ब्रैकेट की बात कर रहा हूं। ये लेफ्ट ब्रैकेट का नाम क्या है? पूरी स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है। तो 175,000 क्या था? लेकिन बहरहाल हमें डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन शायद ये नेट ऑफ हो रहा है। आंसर लिखवाइएगा, लेफ्ट साइड पे लिखवाइएगा। 162,000 सॉल्व करना है सर। ठीक, पर कैसे लिखवाना आंसर? ठीक तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन थी 162,000 और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन है 175,000। डिफरेंस है 13,000 फेवरेबल है, तो एक्चुअल ज्यादा है। एक्चुअल खर्चा ज्यादा इसलिए थोड़े बस। ये ऑनलाइन फ्रेंड्स क्लियर? एनी कंफ्यूजन सर? ब्रेकअप होपफुली आप लोगों से कुछ लोगों ने किया होगा। ब्रेकअप का नाम एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन एंड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। जी सर, बट इज स्टैंडर्ड रेट। शुरू करते पहले करवाया करते, वेरिएबल ओवरहेड्स की वर्किंग हो रही है और आवर्स में हो रही है, तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर 12। एक्चुअल रेट की वर्किंग करवा दी थी आपने, दोबारा ढूंढना जरा। 175,000 डिवाइड बाय और मल्टीप्लाइड बाय उसको बड़ा ठीक है वो जितना भी आ रहा है, लेकिन रादर देन कि उसको लिखा जाए, मेरी सजेशन ये इसलिए है कि वो फिर खुद ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेफिनेटली जब आप सॉल्व करेंगे तो आपने 175 डिवाइड बाय 14,850 पे एक लम्हे के लिए रुकना है आंसर देखने के लिए, उसके बाद फिर ठीक है मल्टीप्लाई हो जाएगा। और एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा राउंड ऑफ किए बगैर। ये आंसर बता दो। 3200 फेवरेबल की वजह क्या है? ये 11 समथिंग आ रहा है, एक्चुअल रेट 11 समथिंग है, तो 12 से कम है, एक्चुअल रेट कम है। कटे सर? जी राइट बॉक्स में, राइट वर्किंग में। एक्चुअल प्रोडक्शन 1 यूनिट शुड टेक 30 मिनट्स मींस हाफ आवर। एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट 12 सॉल्व कर। वायर वर्स क्या? एक्चुअल ज्यादा, एक्चुअल रेवेन्यू ज्यादा। तो जब तक पूरा नहीं बोलेंगे बात बनेगी। एक्चुअल आवर्स वर्क ज्यादा है, इतने घंटे का काम कितने घंटे में हुआ? 27,000 इंटू 30/60 13,500 सॉल्व करके रखना है। बार बार आ रहा है 13,500 आवर्स का काम एक्स्ट्रा आवर्स में हुआ सर, इनएफिशिएंटली काम हुआ। सिमिलरली सर जी, अगर एज इट इज क्वेश्चन के मुताबिक चला जाए तो फिक्स्ड ओवरहेड्स में भी सिर्फ एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम कैलकुलेट होगा, लेकिन मैं जरा पूरा ऊपर से नीचे तक जाऊंगा। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स
ये मेरा ख्याल है जिन्होंने किया भी है ना दोबारा करें मेरे साथ, ये छोड़ दें अपना पुराना देखते हैं। नए पेज पे ये सारे वेरिएंसेस मेरे साथ फाइनल करें, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस से शुरू करें। डिफाइन फर्स्ट फॉर्म वेरिएबल ओवरहेड, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कंपेयर्ड विद अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड। जी सर जी, इसमें बहुत सारी फिगर्स ही नहीं है, फुल कंसंट्रेट करना पड़ना अपना अपना। लेकिन एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स ढूंढने ढूंढने सवाल में ढूंढा। हाँ सही आंसर मेरा यही कि गिवन नहीं है, अभी तक जितने सवाल हमने किए थे डायरेक्टली फिगर गिवन होती थी। डायरेक्टली गिवन तो नहीं है लेकिन 17 ढूंढना फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स का 17 रुपया पर आर एक्चुअल दिया हुआ, एक्चुअल रिजल्ट्स में 17 रुपीज पर आर गिवन, पर डायरेक्ट लेबर आर गिवन, तो हमें पर आर चाहिए, हमें एक्चुअल टोटल खर्चा चाहिए, हमें टोटल खर्चा चाहिए पर आर नहीं चाहिए। लेकिन पर आर अगर मिल गया है तो इंशाल्लाह कुछ कोशिश कर लेते हैं। हमें इस फॉर्मूले में जो हमने लिखा है एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स की अमाउंट चाहिए, पर आर नहीं अमाउंट, टोटल अमाउंट चाहिए। तो क्या मिल गया 17 पूरा बोलेंगे, रेट पर आर मिला। तो अब हमने क्या ढूंढना है, एक्चुअल आर्स वर्क ढूंढना, वो लास्ट लाइन में 14850 इंटू 17। अगर फर्ज करें ये 17 के साथ लिखा होता है, सवाल देखना पर यूनिट, तो फिर हम एक्चुअल यूनिट्स ढूंढ के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो घंटे क्यों ढूंढे हम, क्योंकि जो हमें रेट गिवन है वो आवर्स की बेस पे, एक घंटे के फिक्स ओवरहेड्स बताए हुए एक्चुअल, और हमने एक्चुअल आवर्स ढूंढ के अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मल्टीप्लाई करके क्या फाइंड आउट कर लिया है, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड फाइंड आउट हो गए। टोटल अमाउंट अगर 252450 होगी और 14850 काम हुआ है, तो उसने ये अमाउंट्स आपको देने की बजाय रेट दे दिया, ये 17 रेट आया कैसे होगा, नहीं उसकी बजाय जरा वर्ड्स बोलने की कोशिश करें, ये दोबारा 17 ना ना एक मिनट, ये 17 जरा गौर से देखें, 17 रुपए पर आर, ये 17 रुपए पर आर का फॉर्मूला क्या बना होगा, कुछ रुपए उठाए गए होंगे फिक्स ओवरहेड्स के, कुछ रुपीज उठाए गए होंगे, उनको एक्चुअल आर से डिवाइड किया तो 17 रुपया आया। हमने क्या ढूंढ लिया, बेस ढूंढ ली 14850 एक्चुअल आर्स, और 17 मिल गया हमें, तो हमने मल्टीप्लाई करके एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स की अमाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट काइंडली चीजें हैं, इनको सीरियस लीजिएगा, इधर से उधर डिवीजन मल्टीप्लीकेशन कब क्या होना है देखी नहीं जाएगी, करना पड़ना। कहां पर इन्होंने जी सर, अप्लाइड पे आ रहा है, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स ढूंढ है। मैंने एक सीधी सी बात की, मेरे एक सवाल का मासूम सा जवाब यस नो में हो सकता है, मिले नहीं मिले, मैंने कहा अप्लाइड फिक्स ओवरहेड ढूंढना, मुझे सजेशन आ गई, मैंने कहा अप्लाइड ढूंढना, आपने ढूंढे, आपको अप्लाइड डायरेक्टली नहीं मिले। अब फार्मूला जहन में ढूंढना, एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू
स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट फॉर्मूला बदलने की मेरी तरफ से इजाजत हुई नहीं। डेटा बदलेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, फार्मूला नहीं बदलना। और काइंडली मुझे ये बिल्कुल नहीं बताना कि सर वैसे भी आ जाता है। आपके साथ रह रहे के मुझे पता है कि वैसे भी आ जाता है, तो अगर वैसे आ जाता तो वैसे भी तो आता, तो हम फार्मा क्यों बदले। तो काइंडली प्लीज, वैसे भी आता है, मुझे भी आइडिया है, लेकिन ऐसे भी इंशाल्लाह आता। फार्मूला ना काइंडली बदले। हमेशा हमने अप्लाइड कैसे सोचा, एक्चुअल प्रोडक्शन किसे कहते हैं, यूनिट्स को या घंटों को, और देयर फॉर स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट नहीं मिलेगा तो इंशाल्लाह कन्वर्ट कर लेंगे। फार्मूला कहीं नहीं बदलना। आप लोगों में से जिनका नहीं हुआ ना, आपकी सोल रीजन ये है, आपने फार्मूला बदलने की कोशिश की है और आंसर देखा है, हमने वो भी नहीं किया। सॉरी, ये भी इल्जाम है। जी सर, नहीं सर ऐसे नहीं सर, अभी हो जाएगा सर। एक्चुअल प्रोडक्शन बताए 27,000। अब 27,000 या 14,850, अब 27,000 क्यों? अब प्रोडक्शन है, अब चाहिए क्या, अगला चाहिए क्या? स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट, फिक्स ओवरहेड की बोला मैंने, फिक्स ओवरहेड की वर्किंग हो रही है, फिक्स ओवरहेड्स की वर्किंग हो रही है, तो क्या चाहिए पूरा बोला। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट, आए सवाल में देखते हैं, आराम से आराम से आराम आराम से आराम 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 से। स्टैंडर्ड डेटा ढूंढने दें, स्टैंडर्ड डेटा में कोई अमाउंट नजर आती है फिक्स्ड ओवरहेड्स की? 18 नजर तो आ रही है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है? पर डायरेक्ट लेबर आ रहा है, क्या वो एक घंटे के हैं या एक यूनिट के हैं? एक यूनिट के स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स 18 रुपीज हैं या एक घंटे के? एक घंटे के पर आर, क्या चीज है पर आर? फिक्स्ड ओवरहेड नहीं, फिक्स्ड ओवरहेड पर आर, फिक्स्ड ओवरहेड पर 1 आर 18 रुपए एक घंटे के फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है सर? और देयरफॉर हमें भी 18 चाहिए। तो एक ही बात है यार, एक बात हरगिज क्यों नहीं है, यूनिट से मल्टीप्लाई करना, देयरफॉर आर्स नहीं पर आर एक नहीं चाहिए हमें, पर यूनिट चाहिए। लेकिन बेटा कोई इशू नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो रहा। 18 है पर आर मींस पर 1 आर। अब नीचे जरा ढूंढे स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, 30 मिनट्स। तो इस तरह के जो काम है ना, ये आपने सही हजम करने, यही अब हमारी बहस रहेगी कि डाटा में से फिगर्स को तलाश कैसे करना। 18 जो है, 18 जो है ये पर 1 आर रुपीज है, और एक यूनिट का टाइम कितना है? 30 मिनट्स, हाफ आवर। सबसे पहले इन दोनों को आपस में रिलेट करके 18 और 30, आपने ये बताना है कि क्या आर्ली रेट ज्यादा होगा या पर यूनिट रेट ज्यादा होगा। हमें क्या पता, हमें 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 हम कैसे सोच सकते, ये कोई जवाब नहीं, हम सोच सकते हैं। व्हाट इज 18? क्या मैं कह सकता हूँ ये 60 मिनट के ओवरहेड है पर आर? 60 मिनट के ओवरहेड 18 रुपए है, हमारा एक यूनिट कितने देर में बन जाता है? 30 मिनट में। तो क्या हमें अब 30 मिनट के ओवरहेड चाहिए? क्या एक घंटे में 2 यूनिट बन जाते होंगे? क्या एक घंटे में 2 यूनिट्स बनना एक्सपेक्टेड था? एक्सपेक्टेड मैंने इसलिए बोला, स्टैंडर्ड की बात हो रही है। तो 18 रुपए है एक घंटे के ओवरहेड्स, हमें क्या चाहिए? एक यूनिट के ओवरहेड्स। तो वर्किंग करवाएंगे ना 18, डेफिनेटली बहुत से वेज हो सकते हैं, कोई आप आपके जहन में क्या आता है? 18 मल्टीप्लाइड बाय 30 बाय 60। ये 30 बाय 60 से मैंने क्या किया? नहीं नहीं मैंने नहीं, मैंने नहीं, मैंने नहीं, ये मेरे पे इल्जाम है। हाफ आवर पर यूनिट, हाफ आर पर यूनिट, व्हाट इज 18? 18 रुपीज पर 1 आर, और मैं 30 बाय 60 करके क्या करना चाह रहा हूँ? आधे घंटे के ओवरहेड। अब मैं आधे घंटे में इंटरेस्टेड क्यों हूँ? क्योंकि एक यूनिट कितने टाइम बनता है? ऑब्वियसली ये भी हो सकता है, 18 रुपए हैं एक घंटे के, एक यूनिट एक घंटे में कितने यूनिट्स बनते हैं? तो डिवाइड बाय टू या मल्टीप्लाइड बाय टू। अगर फर्ज करें एक यूनिट 2 घंटों में बनता हो, तो 18 क्या है?
1 घंटे के ऑपरेट, और अगर वो 2 घंटों में बन रहा है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 या डिवाइड बाय 2? व्हाई इन दिस केस डिवाइड बाय 2? 18 क्या है 1 घंटे के, डिवाइड बाय 2 क्या है 1 घंटे के 2 यूनिट, बिकॉज 30 मिनट्स पर यूनिट। व्हाट इज 9? पूरा 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 यही वर्किंग लिखिएगा जरा साथ रहा बुक पे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट समझ गए प्लीज? वी आर इंटरेस्टेड इन पर यूनिट, क्योंकि अप्लाइड कैसे आता है, एक्चुअल प्रोडक्शन किस में होती है, यूनिट्स में घंटों में, तो यूनिट्स में देर पर स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट इंशाल्लाह ढूंढ लिया करेंगे। फार्मूला काइंडली नहीं बदलना, वरना हर सवाल में बदलना पड़ना। क्या बदलेंगे इंशाल्लाह? डेटा को अकॉर्डिंगली अपने फॉर्मूले के मुताबिक एडजस्ट करने की कोशिश करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर हो गए? आप लोगों की कोई कंप्लेन? जी 27,000 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू, सॉल्व करते जाओ, व्हाट इज 243? अप्लाइड, सिंपल इज दैट। अब ये एक्चुअल नहीं है प्लीज, ये माउंट एक्चुअल क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो सॉल्व हुई भी एक्चुअल की बेस पे नहीं सॉल्व हुई, इसमें एक प्रोडक्शन तो एक्चुअल है लेकिन रेट स्टैंडर्ड है, तो इसका नाम अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स। ठीक है सर, डन है? डन है सर। बेटा 1 घंटे में 60 मिनट और 30 मिनट में 1 यूनिट, तो आधा घंटा 30/60, 60 मिनट्स 1 घंटे के और 30 मिनट्स में 1 यूनिट एक्सपेक्टेड था, तो 30/60 हाफ आवर। प्लीज क्लियर हो गया 30/60? ये डिफरेंस है सर। 9450 का नाम क्या है? टोटल फिक्स ओवरहेड वेरिएंस है। फेवरेबल क्यों नहीं है? एक्चुअल खर्चा ज्यादा है पे बात खत्म हो गई। वैसे कम है यार, एक्चुअल ज्यादा है, कम है सर। ब्रेकअप का नाम सर, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम वेरिएंस, एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम वेरिएंस। फॉर्मूला डिफाइन कर रहा, एक एक लाइन जरा रखा कर लिख रहे, एक्चुअल एंड बाइटेड, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स, बजटेड फिक्स ओवरहेड्स। एंड ऑपोजिट साइड पे अप्लाइड फिक्स ओवरहेड्स, बजटेड फिक्स ओवरहेड्स। जी अब डेफिनेटली जब ये ऊपर टोटल कैलकुलेट होगा ना तो काफी कुछ आगे होता पहले, तो रादर देन वेस्टिंग टाइम अगेन एंड अगेन अकॉर्डिंगली ढूंढा जा सकता है। ये रेडी? रेडी सर? एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स अभी कहीं लिखे ढूंढ के बता दो। 252450, ठीक है सर, डेफिनेटली सॉल्व हुए हैं एक्चुअल रेट पर आर की बेस पे। जी सर, बजटेड फिक्स ओवरहेड सवाल में सर्च करें पहले,
गिवन है यार, 18 रुपए गिवन है। वो परार की बना, हमें भी तो परार ही चाहिए। हमें क्या चाहिए? नहीं नहीं नहीं, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए क्या? हमें बजटेड फिक्स ओवरहेड्स की अमाउंट चाहिए। हमें इसके सामने पूरी अमाउंट चाहिए, बजटेड फिक्स ओवरहेड की पूरी अमाउंट चाहिए, पूरी अमाउंट आ जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन हमें अमाउंट चाहिए। वो 18 के है, 18 18 18 एक्चुअल नहीं है, स्टैंडर्ड है यार, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड्स है, लेकिन एक घंटे के। हमें अमाउंट पूरी चाहिए, तो हमें अगर अमाउंट चाहिए तो हमने यहाँ ढूंढना क्या है? बजटेड यूनिट्स एंड मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, अब्सॉर्प्शन रेट, स्टैंडर्ड अब्सॉर्प्शन रेट पर यूनिट। हमने फार्मूला नहीं बदलना, आंसर आ तो जाता है, तो ऐसे भी तो आ जाता है। बजटेड फिक्स ओवरहेड्स अगर ना हो तो क्या ढूंढा करेंगे? बल्कि बजटेड यूनिट्स भी ना लिखे, वही लिखने पहले लिखेगा बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर। ये डाने सर ढूंढना शुरू करें सर, आए सवाल में आए, मिल सारा कुछ ही जाना बेटा, लेकिन डेफिनेटली अभी टाइम शेयर में लगना। सेंटर में लाइंस लिखी हुई स्टैंडर्ड आवर्स वर्क की, जहां अभी आप 30 मिनट्स देख रहे थे बार बार। व्हाट इज 30 मिनट्स? स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इन मिनट्स से आगे पढ़ा। वेयर इज एच एल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कैपेसिटी पर मंथ इज 15,000 आवर्स। क्या ये 15,000 घंटे? अब एक महीने की वर्किंग है शायद, एक्चुअल भी एक महीने की बहस है। 15,000 क्या है? क्या 15,000 घंटे काम किया जा सकता था? एक्सपेक्टेड टाइम है, एक्चुअल टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम है। हमें क्या चाहिए? फॉर्मूला देखें, हमें बजटेड टाइम चाहिए यहाँ या बजटेड प्रोडक्शन चाहिए? बजटेड प्रोडक्शन चाहिए। यह है बजटेड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, कितने घंटे काम स्टैंडर्ड था? 15,000 घंटे। अब इसका लिंक करें 30 से, 30 के एक यूनिट का टाइम 30 मिनट्स। क्या हम यहां से हिम्मत कर सकते हैं कि इतने घंटों में, 15,000 घंटों में कितने यूनिट्स बनने चाहिए थे? अगर 15,000 घंटे स्टैंडर्ड थे, हर यूनिट 30 मिनट्स लेने हैं, तो एक घंटे में कितने यूनिट्स बनेंगे? दो कैसे यार? तो 15,000 लिखें और मल्टीप्लाइड बाय, अभी उससे कर में ना पड़े, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, वो भी कर लेंगे, वैसे भी करना। 30/60 असल में क्या? 30/60 क्या? आधा घंटा पर यूनिट, वो भी हो सकता है, आधा घंटा पर यूनिट, आधा घंटा पर यूनिट है, और ये भी घंटे हैं, ये भी घंटे, 15,000 घंटे हैं। पहले ठीक है, वो फॉर्मूला बनाना बना लेंगे, लेकिन पहले लॉजिकली सोच लें, 15,000 घंटों में अगर 30 मिनट है, यूनिट्स ज्यादा बनेंगे या घंटे ज्यादा? हर घंटे में 2 यूनिट बन जाएंगे, तो कैसे वर्किंग करूं? 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। करना तो कर लें, लेकिन मेरा ख्याल मेक द थिंग सिंपल, वाई 2? एक घंटे में 2 यूनिट, तो 15,000 के घंटे आवर्स, और व्हाट इज 2? यूनिट्स इन 1 आवर, यूनिट्स इन 1 आवर। तो बहुत ज्यादा भी साइंस नहीं करनी, जहां सीधा होता है वहां सीधा करना। 15,000 के घंटे, एक घंटे में 2 यूनिट्स कहां से आ गए? 30 मिनट में 1 यूनिट, 60 मिनट में 2 यूनिट्स, तो 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो कितने यूनिट्स बजटेड थे? 30,000। क्या 30,000 यूनिट्स बन जाएंगे 15,000 घंटों में, अगर हर यूनिट को आधा घंटा चाहिए?
बोले इधर ऐसा पूरा सेंटेंस इधर। यूनिट्स बन जाएंगे 15,000 घंटों में अगर हर यूनिट को आधा घंटा चाहिए। डन सर। तो व्हाट इज दिस 30,000 यूनिट्स? बजटेड प्रोडक्शन। बजटेड प्रोडक्शन लिखे वर्किंग, ये भी क्वेश्चन में लिखे। एनी कंफ्यूजन? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए? हाँ, ये फॉर्मूला फाइनल करो। व्हाट इज बजटेड प्रोडक्शन नाउ? 30,000 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, शायद अब आ चुका है 18 की बात हो रही है, 9 की अब क्यों बात हो रही है? क्योंकि यूनिट से मल्टीप्लाई 2,70,000। ये एनी कंफ्यूजन डिफरेंस है? वन सेवन डबल फेवरेबल एडवर्स? अनडिसाइडेड। मानने से बाद फेवरेबल आ रही है, फेवरेबल ही होगा। एवरेज रेट बस एक्चुअल खर्चा कम है। ये हुआ ना, ये आंसर आया ना, असल चीज यही आई। 15,000 × 18 से भी तो है, ये हुई ना बात। कैलकुलेटर पकड़े सर, 15,000 लिखे, 15,000 लिखें इंटू 18 करें तो आंसर तो वो भी है। इतना मुश्किल काम करने की क्या जरूरत है, आगे हैं। और अगर किसी अगले सवाल में यूनिट्स दिए हुए तो फिर घंटे कन्वर्ट करेंगे, नहीं नहीं उसमें वो कर लिया करेंगे। तो इंशाल्लाह हर सवाल में फार्मूला बदल लिया करेंगे, इंशाल्लाह डेटा को कन्वर्ट कर लिया करेंगे। वैसे ये छा गए आप, ये आसान नहीं था। अप्लाइड और बजटेड की वर्किंग कैसे आए हुए हैं, मतलब ढूंढना तो है। अप्लाइड और बजटेड कहीं कहीं अवेलेबल है ऑलरेडी, अप्लाइड की वर्किंग करवा दो। फिगर्स बोलने, फिगर्स के नाम बोलने, आप एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट और बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट वाई पर यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट्स में। वो आंसर तो वैसे भी आ जाता है, तो जब वैसे भी आ जाता है तो फिर मसला ना कीजिएगा सर। ये ना कीजिएगा, ये बात मैं बार बार क्यों इस तरह कर रहा हूँ, यही चीजें आपको गलत तरफ ले जाती हैं। हमारा मकसद अब फार्मूले बदलना नहीं रहा, हमारा मकसद जो पढ़ लिया है उसको अप्लाई करना हो गया। तो हर जगह नई चीजें अगर सोचेंगे तो वो यूजलेस बहस हो जाएगी। और खासकर वो एग्जाम हॉल जहन में लाए, वहां तो फार्मूला ही जहन में आ जाए तो बड़ी बात होती है। नया फार्मूला घर बना लीजिएगा पेपरों के बाद, पेपरों के बाद मेरे सजेशन दीजिएगा। ये भी होता है, वो भी होता है, इंशाल्लाह मिलजुल के कुछ कर लेंगे, लेकिन पेपरों तक ही इंशाल्लाह यही होता है। सॉल्व कीजिएगा, पता नहीं क्या होता है। 43,000 × 70,000 डिफरेंस ले लें और सही सोच लें एक दफा, क्योंकि मेरे सामने तो जवाब आ गई, ये तो जुल्म हो गया। नहीं, कोई एक्चुअल अप्लाइड की बहस नहीं हो रही है, प्रोडक्शन की बहस, एक्चुअल प्रोडक्शन और बजटेड प्रोडक्शन का मसला। नौ नौ तो कॉमन है दोनों में, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है, बनाना कितने चाहते थे, फेवरेबल हो गया। मैंने हमेशा आपसे कहा अपने पे अप्लाई नहीं करना, अपने पे सोचेंगे तो फेवरेबल ही है, शुक्र है कम काम किए, लेकिन इंप्लॉइज ने करना। कितने यूनिट्स का प्लान दिया गया था, कितने यूनिट्स बने हैं? ये कंडी ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपना आंसर भेज दीजिए, यहाँ तो अनडिसाइडेड लोग बैठे हैं।
वाई एडवर्स एक्चुअल प्रोडक्शन इज लेस लिटिल। एज इट इज अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सॉल्व की जाती है तो आपने सिर्फ ये दो वेरियंसेस कैलकुलेट करने थे, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम। कोई टोटल की जरूरत नहीं, एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन हम जरा बहस क्योंकि कर रहे हैं अब, तो वाइंड अप करवाएं जरा सही तरह। इस वॉल्यूम का भी ब्रेकअप हो जाता है, फॉर्मूला लिखें और नाम लिखें, फॉर्मूला लिखें, इकट्ठे हो जाए। कंसंट्रेट करें प्लीज, बोर्ड से देख के लिखने की बजाय पिछले पेजेस पे ढूंढ के फॉर्मूला लिखें। प्लीज रिवाइज करें, ये करने से ही काम है, ऐसे नहीं होगा। फिक्स्ड ओवरहेड्स कैपेसिटी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस। जरूर रिवाइज होने चाहिए यहाँ पीछे से कहीं से देख के कि कैसे क्या किन वर्ड्स के साथ फॉर्मूला था। आज काइंडली पहला काम ये घर जाके करना है, एक खाली सफा पकड़ना और ये सारे फॉर्मूले मटेरियल से लेके फिक्स ओवरहेड्स सब तक है, काइंडली जरा बगैर कहीं से हेल्प लिए लिखने की कोशिश करना। याद रहेगा सर, इंशाल्लाह जी। नोट कर लिए, वर्ड्स लिखने हैं, वर्ड्स अगर लिखने हैं तो फिगर्स में साथ ही ढूंढने सर। वंस अगेन, फिगर्स हाउ टू सर्च इज द रियल चैलेंज। जी सर, हाउ टू सर्च द फिगर्स। बजटेड कैपेसिटी आवर्स इस सवाल में गिवन है, ढूंढे गए 15,000 या 30,000, वो एक ही बात है। अब सारी गेम आवर्स में आ गई है, अब आवर्स गिवन है। कितने घंटे प्लान था? 15,000। और क्योंकि अब ये 15,000 घंटे हैं तो स्टैंडर्ड रेट पर आर गिवन है, तो जहां आर्स में वर्किंग है वहां आर्स में करें, जहां यूनिट्स में है वहां यूनिट्स में कन्वर्ट करके कोशिश करें। 18 या 9? वाई 18? अब आर्स की वर्किंग हो रही है, वहां क्यों 9 इतनी मुश्किल से सर्च की है? यूनिट्स चाहिए थे, यूनिट्स की बेस पे वर्किंग। एक्चुअल कंज्यूम्ड आर्स कहीं से लिखवा दें, वो तो लेबर के हैं। 14850 इंटू वंस अगेन 18 क्यों? स्टैंडर्ड रेट पर आ पर स्पेसिफाई भी कर लें अगर किया नहीं किया पर आ स्टैंडर्ड रेट पर 1 आवर। स्टैंडर्ड रेट पर आ, ठीक है सर, फाइनल करें जी, इसी का डिसीजन है पहले, इसी का फाइनल डिसीजन। आंसर्स बता दें, 15,000 × 18 270 एंड 26
सेवन थ्री डबल जीरो डिफरेंस 2700। अब यकीन है ये रुपीज का डिफरेंस है लेकिन रेट की वजह से नहीं है, आर्स की वजह से। कितने घंटे प्लान किया था, कितने घंटे काम का प्लान किया था, कितने घंटे काम हुआ है? ऑनलाइन स्टूडेंट सर अपना आंसर भेजेंगे, फेवरेबल है या एडवर्स सर? ये आप लोगों को बताएंगे फेवरेबल है एडवर्स सर? वाई वो एक्चुअल आज वर्क कम है, यहाँ कंपैरिजन हो क्या रहा है? कितने घंटे प्लान किया था, क्या कैपेसिटी अचीव हो सकी? फेवरेबल एडवर्स? व्हेन फेवरेबल? जब कैपेसिटी अचीव हो के आगे बढ़ जाए। कल आपने कितने घंटे पढ़ने का प्लान किया था? मैंने प्लान नहीं किया था। अगर मैंने प्लान नहीं किया था और मैं एक मिनट भी बैठ गया फेवरेबल मैं कैपेसिटी से आगे निकल। आपने दो घंटे प्लान किया था और आप तीन घंटे पढ़ते रहे फेवरेबल हो गए। तो मेरे जैसे भी अगर आपके साथ बैठ के प्लान कर लेते दो घंटे और बाद में ना पढ़ते एडवर्स हो देना। तो बेहतर क्या है, बंदा प्लान करे और उसे अचीव करने की कोशिश। नहीं आप मेरे बिहाफ पे बोल रहे हैं जी। एनी कंफ्यूजन इन दिस एडवर्स? राइट साइड पे जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए प्लीज, कोई कंफ्यूजन? शायद यार सब जाने दे गुस्सा यार। फेवरेबल, अगर ये फेवरेबल है तो इसका मतलब काम ना करना हाईली फेवरेबल है। लोगों ने काम करना है यार। जी सर ये वर्किंग कैसे होती है? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन बता दें। ओ बेटा पर आर है, पर आर में वर्किंग हो रही है। घंटे अगर है तो आर्ली रेट ही लेना, आर से आर्ली रेट मल्टीप्लाई होना है जी। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन व्हाट इज 27,000? वन यूनिट शुड टेक हाफ आवर। आवर्स में मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर, आवर्स 30/60 मल्टीप्लाइड बाय 18 क्यों? और बेटा पहले यूनिट से, और जब 9 थे तो यूनिट थे 30,000 यूनिट, 27,000 यूनिट, यूनिट्स। जब यूनिट्स हैं तो यूनिट्स का रेट, जब आर्स हैं तो आर्ली रेट। हिम्मत करें बेटा, हिम्मत करें। ओके प्लीज कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन। आप जहां भी हैं प्लीज पढ़ाई के वक्त फिर सिर्फ कंसंट्रेशन पढ़ाई पे। एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स 14850 इनटू 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 18। वाई 18? वाई पर आर आंसर सर 243,000 एंड मल्टी एंड इज इक्वल टू 267। बस अभी स्टैंडर्ड टाइम निकालना यार निशान, बस कर दे यार। स्टैंडर्ड टाइम निकालना 33/60 नहीं आएगा। 33/60 कब आया है? जब एक्चुअल टाइम निकालना है यार, बस कर दे। 33/60 नहीं आना, वो तब आना है जब एक्चुअल टाइम निकाला था। अब 30/60 क्यों होना है? स्टैंडर्ड टाइम निकालना है। किसका स्टैंडर्ड टाइम निकालना है? एक्चुअल प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड टाइम 30 मिनट था। जी सर ये डिफरेंस है 24,300। फाइनल डिसीजन हो जाए सर। बाय बाय सॉल्व कर लें। 13,500 घंटे यहां तक बना लें जरा। 27,000 इंटू 30/60 काम बाकी संजीदा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप कंसंट्रेशन नहीं रखेंगे तो इसका फायदा भी कोई नहीं, मजा भी कोई नहीं। हर रोज लगेगा जादू हो रहा है। नहीं ऑनेस्टली इसी दिन पता नहीं, अभी भी अल्लाह ना करे किसी को लगाओ। तो 13,500 घंटों का काम क्या इनएफिशिएंटली काम हुआ है? एडवर्स। बाकी डेफिनेटली ब्रेकअप्स आ रहे हैं ऊपर, बिकॉज मैच किया करें।
आपने अपने को कॉन्सेप्टली क्लियर किया करें। डन सर, एनी कंफ्यूजन एनीवे, अब तो नहीं कोई इशू रह गया। इसी डाटा से चलो फिर आगे, इसकी एक बी रिक्वायरमेंट है, क्या पड़ेगा क्या लिखा, ये वाली जो रिक्वायरमेंट है ये इंशाल्लाह जब हम ये टॉपिक तकरीबन कंप्लीट कर लेंगे तो एक ही दफा इंशाल्लाह डिटेल में बहस करेंगे कि ये रीजंस और वेरिएंसेस, वैसे तो हम साथ साथ बात करते जा रहे हैं लेकिन इसको जरा फॉर्मली अगर एग्जामिनर पूछ ले लिखना कैसे है तो वो एक ही दफा बहस करेंगे। आप इस वक्त रिक्वायरमेंट 3 पे आ जाओ, रिकनसाइल किसको किससे, एक और सीरियस चैलेंज हमारे सामने आने वाला, किसको किससे रिकनसाइल करना है, बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड एक्सपेंडिचर ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन को एक्चुअल एक्सपेंडिचर से रिकनसाइल करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर हियर, नहीं बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर, मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, कौन सा खर्चा, क्वेश्चन नंबर वन ढूंढने का, क्वेश्चन नंबर वन, सवाल नंबर एक, पेज नंबर 19, पेज नंबर 90, इसकी एक बी रिक्वायरमेंट की थी, किसको किससे रिकंसाइल किया था, स्टैंडर्ड और एक्चुअल को रिकंसाइल किया था, स्टैंडर्ड की जगह यहां जरा देखें उंगली यूं करके, साथ बजटेड वर्ड है तो होपफुली इंटरचेंजेबल नहीं वर्ड यूज हो रहे हैं, लेकिन वहां बेटा किस किस की रिकंसिलेशन थी, मटेरियल और लेबर स्पेसिफाइड था, एक मटेरियल की बनी थी एक लेबर की, उसको जरा यहां लिंक करें, यहां क्या मतलब, बजटेड एक्सपेंडिचर ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन एंड रिकंसाइल विद एक्चुअल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर है, क्या मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, ओवरहेड्स का खर्चा, सारा खर्चा, ऑल एक्सपेंस लिख ले, ऑल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस, तब किस खर्चे को किस खर्चे से रिकंसाइल करना, क्या हम कह सकते हैं इसका मीनिंग ये है कि एक्चुअल प्रोडक्शन को बनाने में खर्चा आना कितना चाहिए था और आया कितना है, जरा सेंटेंस देख के जरा बोलने की दफा दोबारा, ये सेंटेंस अब किसको किससे रिकंसाइल करना, ये तो इंग्लिश में है ना, मतलब हमने देखना क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन को बनाने में कितना एक्सपेंस आना चाहिए था और कितना आया है, तो आपको पता है इस रिकंसिलिएशन के दरमियान में बीच में क्या चीज आएगी, अगर कोई वेरिएंस ना होता तो क्या किसके बराबर होता, जो खर्चा आना चाहिए था वही आया होता, लेकिन क्या वेरिएंसेस की वजह से जो आना चाहिए था वो डिफरेंट हो सकता है जो आया होगा, फाइंड आउट क्या करना है, सॉरी बनाना क्या है, रिकंसाइल करना, बिस्मिल्लाह पढ़ें, रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन ऑफ व्हाट विद व्हाट, बजटेड एक्सपेंडिचर फैक्टर प्रोडक्शन, बजटेड एक्सपेंडिचर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, with actual production for, with actual expenditure sir. Budgeted expenditure for actual production with actual expenditure. इसको reconcile करते हैं. Starting point होगा budgeted expenditure. सोचा क्या था? एंडिंग पॉइंट होगा हो क्या गया, ढूंढे सर बजटेड एक्सपेंडिचर,
गिवन है, गिवन वो गिवन है। क्या इकट्ठा करना पड़ेगा या गिवन है? क्या इकट्ठा करना पड़ेगा पूरा बोलिएगा। एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन का बजटेड एक्सपेंडिचर इकट्ठा करना पड़ेगा, कर लेते हैं। ये चीज आपकी सोच से ज्यादा आसान एंड में निकलानी है तो बेहतर यही है कि सोच लिया जाए, कोई इशू नहीं है इसमें। पूरी मैंने लाइन दोबारा इसलिए लिख दी है कि आप इन वर्ड्स को देख के मुझे बता सके हम चाहते क्या हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन बता दें, लिखना छोड़ दें। 27,000 है सर, ये आराम से पल। अब इन 27,000 यूनिट्स पे मटेरियल लगना चाहिए था, लेबर लगनी चाहिए थी, ओवरहेड्स लगने चाहिए थे। कौन कौन से ओवरहेड्स लगने चाहिए थे? वेरिएबल भी फिक्स थे। तो जरा वर्ड सुने मेरे, एक यूनिट को बनाने में, अब हमने यह एक्सपेक्टेड होना या एक्चुअल ढूंढना? एक यूनिट को बनाने में मटेरियल कितने रुपए का लगना चाहिए था? क्या कैलकुलेटर इस्तेमाल करना मना है? वो सवाल क्यों नहीं पूछा गया जो पहले मैं पूछता था? एक यूनिट को बनाने में कितने केजीज लगने चाहिए थे? 2.8। एक केजी कितने का आना चाहिए था? एक यूनिट को बनाने में कितने रुपए का रॉ मटेरियल लगना चाहिए था? ये अगर हो सके, जगह बन जाए तो बेस्ट यही है, बेस्ट यही है। बाकी वहां भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। बेटा ये काइंडली खौफ अपने खत्म करने पड़ने हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का रियल चैलेंज ये है कि हम अपना खौफ खत्म करें। इस वक्त बेटा जो बात हो रही है, मेरे आपके क्वेश्चन पे कोई इतराज नहीं है, लेकिन आपका ये क्वेश्चन शो कर रहा है कि हम खौफजदा हैं। तो आई कैप चाहता ही है कि बच्चे हो जाएंगे खौफजदा, और जब हो जाएंगे बच्चे खौफजदा तो आता भी गायब हो जाता है। तो हमारा काम सिर्फ ये है कि हम अपनी पूरी एफर्ट करें और रब के ऊपर बाकी बात छोड़ दें, इसके अलावा हम कर ही कुछ नहीं सकते। तो इस वक्त ये कोई सवाल नहीं, अगर खुदा ना खास को बीच में एक आध फिगर गलत हो जाए तो इस चीज की कभी टेंशन ना लीजिएगा। ये मैथमेटिक्स की तरह मार्क्स होते हैं, स्टेप्स के नंबर होते हैं। कोई एक फिगर गलत हो जाए तो अगला प्लीज साथ साथ अगर चल रहा होता तो मैं AFC में होता, आप हो सकता है CA कर चुके होते। ये प्लीज ऐसे नहीं होता, मेरी बात काइंडली ठंडे दिल से सुने। आप अपने लोग QM तो होपली सबका पास है, जरा जहन में आया QM 100% पेपर हुआ था। रब ने पर्दा रख लिया है, इंशाल्लाह रब आगे भी रखेगा। ये इस तरह नहीं होता है, एग्जाम हॉल में कैलकुलेटर पे 2 ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कभी कभी प्लस का साइन गायब हो जाता है। तो एग्जाम हॉल के अपने डायनेमिक्स हैं, वहां बहुत गलतियां होती हैं। लेकिन ये बात मैं इतनी जरूर करूंगा कि एक शख्स, एक बच्चे ने पढ़ के गलतियां की हैं या बगैर पढ़े गलतियां की हैं, ये मैं अगर आपके सामने भी एक पेपर रख दूं आप भी ढूंढ लेंगे। yes, आपको भी लग पता जाना है कि इस बच्चे ने गलतियां क्यों की हैं। तो एग्जामिनर यही ढूंढता है और ये सबको पता चल जाता है कि ये जो मिस्टेक्स हैं ये उस शख्स की हैं, उस नौजवान की हैं जिसने पूरा सेशन पढ़ा है, या उस नौजवान की हैं जिसने आखिरी लम्हे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को यूं यूं करके खत्म किया। क्योंकि वो 2 तो खत्म हो गया, 2 तो बहुत अजीब सी बात होगी, 2 वाली स्पीड तो रेलिवेंट ही नहीं है। उसमें तो फिर भी काफी कुछ समझ आ जाता है, लेकिन उसमें भी 1.25 घंटा लगता है। अगर 1.5 घंटे का लेक्चर हो तो बंदा करे क्या उस वक्त? तो ये बेटा सबको पता चल जाता है। एग्जामिनर कैंडी प्लीज ये नहीं देखता कि 100% ठीक है, ये नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। एग्जाम में कोई सवाल 100% हो जाए, लेकिन ये हो भी जाता है कभी कभी, एक दो सवाल हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं। जिनकी तैयारी है उनका एक दो सवाल हो जाते हैं, और बाकी जब आप कर रहे होते हैं कुछ तो सबको पता चल रहा होता है कि आपने पढ़ के कुछ किया है ये, या मेरी तरह अपनी तरफ से डेफिनेशंस बनाई जा रही है। डेफिनेशंस हम अपनी तरफ से वहां बनाते हैं, और ऐसी ऐसी बनाते हैं कि बाद में, क्योंकि वहां जो उस वक्त आमद माशाल्लाह होती है उसका अपना ही लेवल होता है, तो एग्जामिनर को पता चल जाता है ये मेरे साथ क्या कर। तो प्लीज इस तरह नहीं, रिलैक्स नहीं आप लोग, तो बिल्कुल रिलैक्सेशन इज द सॉल्यूशन।
हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, अच्छी एफर्ट। अगर आप अपनी एफर्ट से मुतमिन है, देखिए आप मुझे नहीं पता, आप पढ़ रहे ही नहीं, आपको नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन हर शख्स को अपना पता है। बस अपना ऑनेस्ट एनालिसिस करें, यकीनन कमियां हैं उसको दूर करें, और एट द एंड ऑफ द डे यू कांट डू एनीथिंग एल्स। बाकी मेरी सजेशंस हैं, रोज पढ़ें, कम अज कम एक घंटा दें, ये मेरी सजेशन है। बाकी हो सकता है दो दो घंटे पढ़ते हो, तो वो डेफिनेटली हर बंदा अपने आप को वैल्यूएट कर रहा होगा, लेकिन कम अज कम ये खौफ जेन से निकाल लें, क्योंकि अगर हम खौफ से पेपर करेंगे तो उसका कुछ भी नहीं होना। वट इज द ओनली सोल्यूशन ऑफ द स्टोरी, अपनी एफर्ट करें, बाकी डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे रब का करम होगा तो कुछ होना, ये तो सीधी सी बात है। माँ जी को कहें दुआएं करें, अब्बा जी को कहें, बल्कि हरकतें ऐसी करें उनके दिलों से दुआ निकले। हम कहते हैं माँ जी प्लीज दुआ करें, माँ जी भी अब मुस्कुराती आई कैप को दुआएं देती होंगी माँ जी, देखिए याद आ गई ना साड़ी आई कैप को काफी क्रेडिट जाता है। तो ठीक है, बाकी सब बातें अपनी जगह, लेकिन हम जो कर सकते हैं वो पूरी एफर्ट इंशाल्लाह करेंगे। डन हो गया सर। तो बेटा प्लीज, मैंने खुदा ना खासा भी आप लोगों को ये नहीं कहा कि आपने सवाल क्यों पूछा है, इस तरह नहीं होता है, बिल्कुल रिलैक्स है आप लोग। दिस इज द ओनली सोल्यूशन। ये चीजें मुश्किल हैं और अभी तो गेम ऑन है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि रोज का रोज इसी तरह टाइम निकाला जा सके, और ये बाकी प्रॉब्लम है, आपसे टाइम नहीं निकलता। तो इंशाल्लाह आई होप कि ये वाली बात अब जहन से निकल जाएगी, और प्लीज फोकस ऑन द स्टोरी जो हो रही है ये, ठीक है जी। प्लीज व्हाट इज 18.9 पूरा बोलना। तो हो सकता स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर, आई होप आपने ये बोला स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर, तो यकीनन क्या 27,000, बल्कि एक सेकंड उस 27,000 को इग्नोर करते हैं, आगे चल रहा है। लेबर पढ़े क्या लिखा हुआ, ये क्या है 150 पर, एक घंटे का रेट है। हम क्या ढूंढना चाह रहे हैं इस वक्त पर यूनिट, दोबारा नीचे 30 मिनट, दोबारा 30 मिनट। मेरे नजदीक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप गौर से चीजें देखें। एक घंटे के 150 रुपए है, मेरा नहीं ख्याल, ठीक है वर्किंग कर लेते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आपको उस तरफ जाना चाहिए, रादर देन स्टेट देखें। क्या ये 30 मिनट मीन्स आधे घंटे के ओवरहेड, सॉरी आधे घंटे का रेट ढूंढ रहे हैं? यस सर। 150 क्या 60 मिनट्स का, एक यूनिट कितने टाइम में बन जाता है, क्या करो 150 × 30/60 डिवाइड बाय 2, व्हाट इज 75? Why 75? Why 75? कम क्यों आ रहा है, वो तो ज्यादा है, हमारे एक घंटे में 2 यूनिट्स बन, तो व्हाट इज 75 पूरा स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट। अब ना हाथ रुके आगे करते नहीं आगे, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट कैसे बनाओ, 12 × 30/60 6, ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट कर रहे हैं, 18 × 30/60 9 कर रहे हैं, प्लीज कर रहे हैं, प्लीज कर रहे हैं, 10। इकट्ठा करके क्या बना दिया आप लोगों ने, टोटल स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स मिल गए इसको, व्हाट इज 108.9 स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या कभी गिवन भी देखा आप लोगों ने? यस सर। कभी देखा सर? यस सर। फाइनल है ये, कैंडी टोटल भी कर दीजिए, आए वापस रिकंसिलिएशन की तरफ। ये वर्किंग लिखी हुई थी 108.9, तो नोट पर ही करा, जानने स्टूडेंट्स अगर कोई करा तो बता दो। जी सर, अब 27,000 हमने लिखा है, वो क्या है
अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाना चाहिए? अब मेरे ख्याल में इंडिविजुअल वर्किंग की जरूरत नहीं है, आपने वर्किंग करवा दी मेरी, टोटल 108.9 होना। क्या ये 108.9? एक यूनिट का बनाने का स्टैंडर्ड खर्चा था, तो 27,000 एक्चुअल यूनिट्स बनाने का स्टैंडर्ड खर्चा कितना होना चाहिए? 2940300। ये कैसे आ गया, ये कहां लिखा है कैलकुलेटर पे? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। तो यकीनन बेटा भी आप लोग बच्चे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आई कैप चाहता है कि बच्चे बड़े हो जाएं। ठीक है सर, आर वी रेडी सर? देन सर जी बजटेड एक्सपेंडिचर आ गया, मुझे कहीं एक्चुअल बताया जा सकता है? एक इस तरह करें नीचे, इसमें डेफिनेटली इसका दरमियान में पता आपको क्या आना है? क्या आना है? वेरिएंसेस आनी है, तो जरा वेरिएंसेस के लिए आधे से जरा ज्यादा स्पेस छोड़ दें, आधे से ज्यादा पेज छोड़ दें, एंड तक तकरीबन आना, तकरीबन एंड पे आके मेरे एक्चुअल एक्सपेंडिचर की वर्किंग करो। हिम्मत। क्वेश्चन का डाटा देखा, इसमें कुछ फिगर रेडीली अवेलेबल है? इसको लेकिन वर्किंग में मेरे ख्याल नोट कर लेंगे, तो ये मेरे ख्याल कुछ फिगर जरा, अब स्पेस भी कम होगी उन्हीं सवाल में। ये लिखवा देंगे सर, एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एक्चुअल एक्सपेंडिचर शुड बी सम ऑफ व्हाट व्हाट एंड व्हाट। डायरेक्ट मटेरियल बोलना शुरू करें सर, 504। ये जो जिस पेज पे अपनी कंसीलिएशन बना रहे उसके एंड में लिखें, बिल्कुल एंड में आ जाए, एक छोटी सी वर्किंग बना लो। नहीं समझ आ रहा क्या करना? एक्चुअल एक्सपेंडिचर पता तो चले किसको किससे रिकंसाइल करना, इंडिविजुअली तो पता है हमें, लेकिन अब टोटल की बात हो रही है, लेबर में फिर गेम है, अब करवाए तो मजा। वैसे तो आर्स भी है, एक्चुअल आर्स कितने? एक्चुअल आर्स 14 ना करिए, 14850 मल्टीप्लाइड बाय 160 237576 ट्रिपल जीरो। क्या जी 14850? एक्चुअल आर्स वर्क्ड इनटू एक्चुअल रेट, एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स गिवन है, वेरिएबल ओवरहेड्स गिवन है। क्या है ये 175 का खर्चा? फिक्स्ड, अब निकाला भी हुआ है लेकिन एक दफा फिर एफर्ट की जा सकती है। 17 रुपए दिया हुआ था, एक क्या था 17 रुपए? हिम्मत करके बोलें जी कैसे बचेंगे? 14850 इंटू 17 252 452 450। सबको ऐड करें, कितना खर्चा हो गया है, हो गया है या होना था? ऊपर क्या फाइंड आउट किया था? कितने यूनिट्स का बनाने में कितना खर्चा हो गया है? 27,000 यूनिट्स का बनाने में 337450 रुपीस का खर्चा हो गया है, होना कितना चाहिए था? डाने प्लीज, एनी कंफ्यूज द वर्किंग? ये नोट अगर कर लें तो कैंडिडेट बताना। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स रियल चैलेंज ओनली इज के कोई डिस्टर्बेंस आप अफोर्ड नहीं कर सकते जब आप पढ़ रहे हो, खास तौर पे कॉस्ट इंडिविजुअली कर रहे हो सवाल, क्लास में कर रहे हो, ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन जितनी पॉसिबल उतनी होनी चाहिए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, वरना एक फिगर भी नहीं समझ आती कर गई और एक ना आई तो आगे गेम खराब हो जाती है।
गाने से। तो जब भी पढ़ें पहला स्टेप क्या करें? जी सर, अब हमारे पास बजटेड खर्चा भी आ गया और एक्चुअल खर्चा भी आ गया। व्हाई दीज एक्सपेंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वेरिएंसेस वाला सफा सामने रखना और कोई चीज ना लिखें। आइडियल ये है कि सिर्फ मुझसे सुनने रिकंसाइल, फिर घर जाके कीजिएगा, टाइम भी नहीं। मैं क्या करूं, क्या इस बजटेड और नीचे एक्चुअल खर्चे में मटेरियल है? क्या मटेरियल का वेरिएंस प्राइस वाला भी है और यूजेज वाला भी है? इसमें मैंने चंद एक इंपॉर्टेंट बातें कर देनी है, आपने प्लीज सुननी है। मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूजेज वेरियंस लिखवा दें। 40320 फेवरेबल है, देख के लिखा कोई फायदा नहीं है, समझ के लिखा इंशाल्लाह गेम। 3-4 एडवर्स है। डन सर, अभी छोड़ दें एडलेस, इंशाल्लाह वो पता है आपको, वो पहले भी हो चुका है। लेबर में आ जाए, लेबर रेट, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी कहाँ देख रहे हैं और कहाँ लिखवा रहे हैं? अपने आंसर्स में देख रहे हैं और बोर्ड पे लिखवा रहे हैं। 148500 एडवर्स, 202500 एडवर्स। यार एक एडवर्स और एक फेवरेबल होता है यार। अब आने वेरिएबल और रेट्स पे, और यहाँ रुक के जरा मेरी चंद गुजारिशात गौर से सुना, अपना आंसर देखें। वेरिएबल और रेट्स का टोटल वेरिएंस भी है और इसका एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी में ब्रेकअप भी है, तीनों लिखवाए। या क्या लिखवाएंगे, या क्या लिखवाएंगे, या मुझे टोटल लिखवाएंगे या ब्रेकअप लिखवाएंगे, या दोनों क्यों नहीं? उसी का ब्रेकअप है, उसी का तो ब्रेकअप है, उसी का तो है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरा कर लेते हैं। ब्रेकअप करना था लेकिन या टोटल लिखें या ब्रेकअप एज यू लाइक, ब्रेकअप लिखवा दो। एक्सपेंडिचर कितना जी? एक्सपेंडिचर वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी 16200 एडवर्स, फेवरेबल एडवर्स, डन हो गया। फिक्स ओवरहेड्स फिर चैलेंज आया, फिक्स ओवरहेड्स के पांच हो गए, अब पांच रजिस्टर, पांच पहला लिखूं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांच हो गया। इसमें से क्या क्या हो सकता है? नंबर एक, नंबर एक, या तो सिर्फ टोटल लिखा या उसका पहला ब्रेकअप, और या कंसंट्रेट, या एक्सपेंडिचर एज इट इज और वॉल्यूम की जगह लफ्स बोल दे। आपने बिल्कुल सही बोला है, लेकिन अब मेरी तरफ से जरा गुजारिश है दोबारा सुनो। या तो सिर्फ टोटल लिखो, फिक्स ओवरहेड टोटल वेरिएंस, या उसकी जगह एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम, बस बस, या वॉल्यूम की जगह एक्सपेंडिचर एज इट इज, कैपेसिटी और एफिशिएंसी। लेकिन हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अगर लिखें तो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम। मेरी बात फॉलो कर ली सबने? सर ये बात समझ नहीं आई कि देखना कहाँ है। उफरान साहब अपने रजिस्टर के आंसर में देखें। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, सर मेरे साथ सब कुछ होना चाहिए सर, मेरा मेरा बनता ही है जी। डियर उफरान साहब छा गए 17553, फेवरेबल एडवर्स 27000 एडवर्स। फेवरेबल और एडवर्स को प्लस माइनस कैसे करेंगे, एक मिनट रुकिएगा, मेरे भाई से पूछना है। भाई ने एक दिन सवाल पहले मुझसे किया था, जी बेटा इसमें से फेवरेबल एडवर्स प्लस माइनस कैसे होगा? नहीं सोच, आराम से, तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं, एक मिनट है आपके पास। बजटेड एक्सपेंडिचर है 29403, खर्चा सोचा ये गया था। फेवरेबल्स का मीनिंग क्या है? आप भी सर, आप भी शुरू हो, सोचना शुरू हो, नहीं नहीं सोचना शुरू हो। फेवरेबल्स कब कहेंगे हम? जब एक्सपेक्टेशन से एक्सपेंस कम हो गया, फेवरेबल्स माइनस क्यों होंगे? एक्सपेक्टेशन से एक्सपेंस कम हो गए,
और एडवर्स प्लस क्यों होगा? तो कैलकुलेटर पकड़ने जरा चेक करके घर जाए, बाकी घर जाके लिखेगा आंसर मेरा चेक कर ले। सही फेवरेबल क्यों लेस? क्योंकि एक्सपेक्टेशन से कॉस्ट कम हो गई। और एडवर्स क्यों ऐड? एक्सपेक्टेशन से कॉस्ट बढ़ गई। आंसर निकाल लें आप लोग, बाकी दिखा देता हूं। बगैर रिकंसाइल से लेकिन ये क्वेश्चन डिजर्व करेगा, मैं नया नहीं दे रहा कि आइडियल तो ये कि दोबारा इंडिविजुअली सोचा रहे, खासतौर पे जो वेरिएबल से गेम आ गया ये। बाकी आपकी डेफिनेटली चॉइस है, कम से कम इसे फाइनल जरूर होना चाहिए। अल्लाह हाफिज़। क्या कल क्लास है? कोई भी इवेंट हो जाए, अगर हम मेरी जिंदगी रह गई तो इन इवेंट्स की वजह से क्लास डिस्टर्ब नहीं हो सकती। और कल फिर ये भी सोचेंगे कि संडे का क्या करेंगे, क्योंकि पिछला संडे जाया हो गया। अल्लाह हाफिज़, मिलके सोचेंगे।